आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन, जरा ध्यान से देखिएगा। स्क्रीन इज विजिबल बेटा, प्लीज टेल मी। यस सर। ओके। यस सर। आज एक्सरसाइज 6.2 के मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इधर ही विजिबल हो जाएंगे, बुक देखने की जरूरत नहीं है। देखिए जरा ध्यान से, हमारा क्वेश्चन है इस फिगर के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट जो लाइन ए बी है वो किसके पैरेलल है, सी डी के। तो पहले तो आप आराम से देखिएगा कैसे करेंगे। कैन आई से दैट इन द गिवन फिगर एंगल एक्स प्लस 50 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, लीनियर पेयर आ जाएगा। यस सर। ओके चलिए, तो x कितना आ गया 130 डिग्री। इज दैट ओके? हाँ जी, क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, कैन आई से दैट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एंगल x विच इज इक्वल टू, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट नाउ अगेन, सी y is also equal to 130 degree, vertically opposite angle. Clear है बेटा? जी सर। अब एंगल x जो है वो किसके बराबर आ गया, एंगल COD, एंगल y, एंगल y जो की है, ठीक है, और जो कि दोनों 130 के बराबर है। और ये कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल, सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, These are alternate interior angle. और alternate interior angle अगर equal हो जाते हैं तो फिर क्या कहते हैं, तो सर दोनों lines parallel होती हैं। This will imply AB is parallel to CD. Clear है solution? Screenshot लेना फटाफट, yes, फटाफट ले लीजिए, मैं अगले question पे आ रहा हूँ। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा जरा ध्यान से, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द फिगर इज अवेलेबल हियर, द क्वेश्चन इज इन द फिगर्स, ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी हमें पैरल दे रखा है सी डी के, दिस ए बी इज पैरल टू सी डी एंड सी डी इज पैरल टू ई एफ। तो आप कह सकते हैं एक्चुअल में सारी लाइन पैरल है, और एंगल वाई और जेड का रेशो कितना दे रखा है, 3:7, तो हमें एंगल एक्स निकालना है, तो निकाल लेंगे। तो हम क्या कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए सॉल्यूशन विल बिगिन लाइक दिस। हमने मान लिया कि एंगल वाई को हमने मान लिया 3K और एंगल जेड को मान लिया 7K। क्लियर है, इज दैट ओके? ओके, अब मुझे एक बात बताइए, क्या जो एंगल एक्स है, कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू एंगल सी एच जी, विच इज सी एच जी, जरा बताइए एंगल जेड क्या है। ये यहां पर पॉइंट है H, दिस पॉइंट इज H, सी एच जी, सर ऑल्टरनेट इंटीरियर, कौन से एंगल आएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आएंगे, एंगल सी एच, और ये जो लाइन है ये मैंने ले लिया G, दिस एंगल किसके बराबर आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएंगे। ओके सर। क्लियर है ना, इट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ अब एक मिनट रुकिएगा जरा ध्यान से, अब एक और चीज देखिए, एंगल सी एच जी
will be equal to angle Z, alternate interior angle. Yes, sir. देखिए basically we are talking about this angle. ये मैं जो shade कर रहा हूँ this angle and this angle. Okay. Now, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ इन दोनों को combine करके. This will imply angle X is equal to angle Z. Clear है ये वाली बात? Yes, sir. Now just tell me, एंगल एक्स प्लस वाई का सम कितना आएगा 180 डिग्री इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्लियर है वाली बात इज द ओके चलिए अब एक बात बताइएगा जरा ध्यान से हमारे पास एक्स किसके बराबर था जेड के बराबर था एक्स वॉज इक्वल टू जेड तो दिस विल इंप्लाई जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और जेड किसके बराबर था 7k और वाई किसके बराबर था 3k इज इक्वल 180 डिग्री तो 10k इज इक्वल टू 180 डिग्री तो k कितना आ गया 18 डिग्री तो y कितना था हमारा 3k दैट इज 3 इंटू 18 कितना आ जाएगा 54 डिग्री एंड z वाज इक्वल टू 7k दैट विल बी इक्वल टू 7 इंटू 18 ये कितना आ जाएगा भाई 126 डिग्री और एंगल x किसके बराबर था z के बराबर जो भी वो भी 126 डिग्री आ जाएगा इज दैट ओके आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर तो प्लीज इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से फिगर आपके सामने है इस फिगर के अंदर कहता है ए बी जो है ये लाइन जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के एंड ई एफ जो है परपेंडिकुलर है सी डी के 90 डिग्री एंगल है एंगल जी ई डी एंगल जी ई डी यानी कि पूरा एंगल हो गया जी ई डी ये वाला एंगल ये 126 डिग्री दे रखा है इसने कौन कौन से एंगल पूछे हैं जरा ध्यान से देखना ही इज आस्किंग एंगल ए जी ई ए जी ई का मतलब ये वाला एंगल दिस पर्टिकुलर एंगल एंड जी ई एफ कौन सा एंगल कह रहा है जी ई एफ कौन सा बनेगा जी ई एफ यानी कि दिस पर्टिकुलर एंगल एंड दिस एंगल इज आस्किंग एंड एफ जी ई एफ जी ई कौन सा एंगल बनेगा भाई ये वाला एंगल इज दैट ओके ये सारे एंगल हमें निकालने हैं तो देखिएगा कैसे निकालेंगे आराम से देखिएगा सॉल्यूशन एक बात बताइए एंगल ए जी ई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एंगल एंगल ए जी ई कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू एंगल जी ई डी बताओ क्या रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ओके नाउ एंगल जीईडी हमें कितना दे रखा है 126 डिग्री दिस इज गिवन क्लियर है भाई yes, sir. तो एंगल एजीई भी कितना आ गया 126 डिग्री इज दैट ओके प्लीज टेल मी Yes, sir. Now, अब एक बात बताइएगा जरा ध्यान से एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी ये एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू कितना आएगा 126 डिग्री एडजेसेंट एंगल है ना
हाँ जी, और एंगल एफ ई डी हमें कितना दे रखा है 90 डिग्री, दिस इज गिवन एज 90 डिग्री, तो एंगल जी ई एफ हमारा आ जाएगा 126 माइनस 90, कितना आ गया भाई 36 डिग्री आ गया। अब मुझे एक और चीज बताओ, एंगल ए जी ई, फिगर में देखिएगा, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, इन दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर। एंगल ए जी हमने 126 डिग्री निकाल रखा है, तो 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल एफ जी ई विल बी इक्वल टू 180 माइनस 126 डिग्री, कितना आ जाएगा 54 डिग्री। क्लियर है, तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन टेकन जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ें तो हमें क्या दे रखा है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, यानी कि ये जो लाइन है पी क्यू एस टी के पैरेलल है, एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री, फिगर में दे रखा है, एंगल आर एस टी 130 डिग्री दे रखा है, तो एंगल क्यू आर एस हमें निकालना है, यानी कि दिस पर्टिकुलर एंगल, ये एंगल हमें निकालना है। देखो इसमें हिंट में भी दे रखा है, कहता है ड्रॉ ए लाइन पैरल टू एस टी थ्रू आर, तो ड्रॉ कर लेते हैं। हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ करी लाइक दिस, ठीक है जी, ये कंस्ट्रक्शन कर ली, इसको हमने ए बी लाइन ले लिया, इज दैट ओके, क्लियर है बेटा। यस सर। अब एक बात तो हमें क्या दे रखा है, पी क्यू किसके पैरेलल है एस टी के, ओके, और अब एक बात तो आल्सो ए बी किसके पैरेलल है, किसके हमने किसके पैरल खींची है ये एस टी, तो क्या आ गया ए बी पैरल आ गया पी क्यू के और पी क्यू पैरल आ गया एस टी के, सारे पैरल लाइन्स हो गई आपस में, इज दैट ओके। हाँ जी यस सर। नाउ एंगल एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए, बता सकते हैं इन दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ये दोनों इंटीरियर एंगल आ गए सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, क्लियर है। हाँ जी बताइए बेटा। Yes, sir. एंगल पी क्यू आर कितना दे रखा है 110 डिग्री, ये एंगल हमें 110 डिग्री दे रखा है, तो दिस विल इंप्लाई एंगल क्यू आर ए कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ गया, इज दैट ओके। हाँ जी yes, sir. अभी इस फिगर में देखिएगा जरा ध्यान से, एंगल टी एस आर कितना दे रखा है 130 डिग्री दे रखा है, दिस इज गिवन, और एस टी किसके पैरल है जरा बताना भाई, ए बी के पैरल है सर, ए बी के, तो अब मुझे बताइए एंगल ए आर एस कितना आ जाएगा सर 130 डिग्री, एंगल ए आर एस भी 130 डिग्री आएगा, क्यों आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर है वाली बात। अब एक और बात देखिए जरा ध्यान से, एंगल ए आर
एस मैंने लिखा, कैन आई राइट दिस एंगल ए आर एस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस, प्लीज टेल मी एंगल ए आर एस, ये हमारा पूरा एंगल को हमने कैसे तोड़ दिया, ए आर क्यू और कैसे ब्रेक किया हमने क्यू आर एस, इज दैट ओके? एंगल ए आर एस हमें कितना दे रखा है, हमने कितना निकाला था एंगल ए आर एस, 130 डिग्री। एंगल ए आर क्यू कितना है, हमने निकाला था एंगल ए आर क्यू, ये देखिए कितना निकाला था, 70 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस, तो एंगल क्यू आर एस कितना आ गया भाई, 130 माइनस 70 कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर है, प्लीज टेल मी, ये इसका पूरा सॉल्यूशन है, देख लीजिए। सबको क्लियर है बेटा सॉल्यूशन? यस सर। ओके यस सर। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 5, आपको ट्रायंगल PQR नजर आ रही होगी, फिगर आ रही है ना नजर बेटा, आ रही है सर। ए बी पैरल दे रखा हमें सी डी के, और एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री दे रखा है, एंड एंगल पी आर डी कितना दे रखा है, 127 डिग्री, कहता फाइंड एक्स एंड वाई। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ए बी पैरल है सी डी के, दे रखा है ए बी सी डी के पैरल, तो एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू, कैन आई से दैट इट इज सेम एज एंगल पी क्यू आर, किस वजह से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये पूरा एंगल ये इसके बराबर आ जाएगा, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है वाली बात? और ये कितना दे रखा है, 50 डिग्री, तो यानी कि एक्स का मेजर कितना आ गया, 50 डिग्री, इज दैट ओके? ओके यस सर। अब हमने पिछली क्लास में एक चीज पढ़ी थी, याद करिए, और थ्योरम भी पढ़ाई थी, अगर ये एक्सटीरियर एंगल है 127, तो ये 127 डिग्री एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल आएगा। हाँ जी, प्लीज टेल मी, हमने क्या पढ़ा था, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, पढ़ाया था बेटा। तो अब एंगल एक्स तो आपके पास अवेलेबल है, कितना एंगल एक्स, 50 डिग्री, तो 120 माइनस 50 डिग्री इज द मेजर ऑफ वाई, तो वाई हमारे पास कितना आ गया, 77 डिग्री, दैट इज द आंसर। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, क्लियर है बेटा सबको सॉल्यूशन? ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिएगा बेटा ये क्वेश्चन, ये फिजिक्स का क्वेश्चन ज्यादा है और मैथ्स का कम है, लेकिन मैथ्स के एंगल वाले फंडे इसमें लगेंगे। हमें ये फिगर दे रखी है, इसमें पी क्यू एंड आर एस दोनों मिरर है, आपने देखा होगा ना, ये एक तरफ से शेडिंग कर रखी, मिरर है, आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, तो आप कह सकते हैं इनको वी विल टेक इट एज अ पैरालाइन, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, यानी कि ये जो रे है बी पे यहां स्ट्राइक करती है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी,
BC से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर ये जाके मिरर RS को CP स्ट्राइक करती है, यानी इस पॉइंट C पर स्ट्राइक करी एंड अगेन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग CD। कहता प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि जी जो हमारा AB है वो CD के पैरेलल आ जाए, यानी कि वी हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव AB इज पैरेलल टू CD। तो देखिएगा जरा ध्यान से कैसे करेंगे, यहां मैं छोटी सी कंस्ट्रक्शन करूंगा, आराम से देख लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन क्या है, वी आर ड्रॉइंग ए लाइन, दैट इज ड्रॉ BE परपेंडिकुलर टू PQ। यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ध्यान से देख लीजिएगा, एक मिनट, ऐसे, ओके, ये यहां पे मैंने इसका नाम दे दिया E। सिमिलरली CF परपेंडिकुलर टू RS, यहां से ये F दे दिया हमने, BE परपेंडिकुलर टू PQ ड्रॉ किया एंड CF परपेंडिकुलर टू RS ड्रॉ किया, इज दैट ओके। मैंने इस एंगल, yes, sir। अब जरा ध्यान से देख लीजिएगा प्लीज, I am taking this angle as A and this angle as B. Similarly, this angle I am taking X and this angle I am taking Y. Is that okay? Clear है बेटा? अब आराम से बात समझना। Yes, sir। अब इस फिगर की तरफ ध्यान से देखिएगा प्लीज। मैं यहां एक बात आई है, हमें क्या दे रखा है जरा पहले आराम से देखिएगा। BE जो हमने, ये परपेंडिकुलर है दोनों, पैरेलल टू CF आ जाएगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, इज दैट ओके। नाउ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और ध्यान से देखिएगा एंगल X इज आल्सो इक्वल टू एंगल Y। कोई रीजन बता सकता है क्यों? फिजिक्स का नियम है ये, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। yes, क्योंकि हमारी जो रे थी वो यहां से इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे है, और ये किस एंगल से स्ट्राइक कर रही है, ए से, ये नॉर्मल बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर को, नॉर्मल के साथ, और फिर रिफ्लेक्ट किससे हुई, बी एंगल, तो एंगल ए और बी दोनों इक्वल होते हैं, इज दैट ओके। नाउ जस्ट टेल मी, प्लीज टेल मी, इसी फिगर के अंदर, मैं इधर आ रहा हूँ, आपको फिगर नजर आती रहे क्योंकि फिगर के बगैर काम बनेगा नहीं। एंगल बी जो है, क्या वो एंगल एक्स के बराबर आएगा, किस लिए आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अगर दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो, इज दैट ओके, प्लीज टेल मी। यस सर। तो एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स, और जबकि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी के, एंगल एक्स किसके बराबर था, एंगल वाई, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, इज दैट ओके। तो अब ये बेसिकली क्या बन गया, पूरा एंगल ए बी सी, दिस इज एंगल ए बी सी, किसके बराबर आ गया, एंगल डी सी बी, और ये कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इज दैट ओके।
यस सर। अब अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं तो आप क्या कहते हो भाई, बताओगे जरा? सर दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो ए बी किसके पैरेलल आ गई? सी डी के। इज दैट ओके? सी डी के। दिस विल इंप्लाई ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्लियर है बेटा सॉल्यूशन सबको? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Taken, और नेक्स्ट क्लास से यार तुम लोगों को क्या करना है, एक तो प्लीज मेक श्योर एवरीवन ज्वाइन ऑन ए टाइम, ठीक है ना, क्योंकि अब ये टाइम खत्म होने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आगे का कराऊंगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, देन आपका टेस्ट भी होगा।